गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम करने वाले हैं ग्रामर के कुछ रूल्स को डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको बोर नहीं करने वाला हूँ ग्रामर के रूल्स पढ़ाकर। वो दैट्स वेरी बोरिंग, वो तो गूगल में और आपकी बुक में लिखा होता है। प्रैक्टिकली आज हम देखेंगे, पिछले कुछ क्लासेस में भी हम ऐसा कर चुके हैं, आपकी इंग्लिश की नॉलेज आज कितनी है और आगे चल के आप उससे क्या सीखते हैं, क्या ऐड करते हैं, आज ये भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दूंगा 10 questions, उसे डिस्कस करेंगे, आप उसका सही या गलत आंसर बताएंगे, क्या सही है क्या गलत है, 4 options होंगी। रेडी हो जाइए, कम ऑन। वैसे ये लाइन याद रखिएगा, ये आपके लिए है, ग्रामर नहीं, ग्रामर अभी शुरू कर रहे हैं। सक्सेस हैज मेनी फादर्स बट फेलियर इज एन ऑर्फन। ऑर्फन होता है अनाथ। सफलता के बहुत बाप होते हैं परंतु असफलता तो अनाथ होती है। कोई नहीं कहता ये मेरी है, और सभी सक्सेसफुल को कहते हैं जी ये हमारी वजह से है, हमारे साथ है, हमारा है, ऐसा। ठीक है, याद रखिएगा, आपके लिए ऑफिसर बनना है आपको। आज का पहला क्वेश्चन, अगर आप ग्रामर को उल्टा पढ़ेंगे तो आपको राम मार्ग दिखाई दे जाएगा। ग्रामर राम मार्ग, राम मार्ग सही भी है। और ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन, आपको कमेंट में टाइप करना है नंबर 1 के आगे क्या आना चाहिए, करेक्ट आंसर क्या है, ए है, बी है, सी है या डी है, कौन सा है, एक जल्दी टाइप कीजिए, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं। द कार्ट वॉज ड्रिवन डैश ब्लॉक। कार्ट होती है वो घोड़ा गाड़ी या बैल गाड़ी जो होती है ना, कार्ट, कार्ट पे जब सामान लेके जाते हैं और जो मजदूरी होती है उसे कार्टेज कहते हैं, वहीं से वर्ड बना है। बताइए जी सही आंसर फर्स्ट का क्या है। द करेक्ट आंसर इज बाय। ये पैसिव वॉइस में यूज हो रहा है, बहुत सिंपल है। द कार्ट वॉज ड्रिवन बाय बुलक, उसके द्वारा खींचा गया, बिल्कुल सही है जी। आपका स्कोर अगर 1 में से 1 है तो नंबर 1 दे दो, नहीं है तो 0 दे दो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वी आर वेरी पॉजिटिव गाइस। तो आपसे 10 question के बाद पूछेंगे आपका स्कोर क्या है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, लेट मी गिव यू डैश। सोच समझ के आंसर करिएगा, सोच समझ के, यहां जल्दबाजी में आप गलती करते हैं। देखिए अभी देखते हैं आपका आंसर क्या है। लेट मी गिव यू डैश, एन एडवाइस, एनी एडवाइस, सम एडवाइस या सम एडवाइजेस। नंबर 2 जरूर टाइप करिएगा, नहीं तो मैं समझूंगा आप 1 का आंसर दे रहे हैं। इट्स सम एडवाइस। जो एडवाइस होता है वो एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन है तो एन नहीं आएगा, ठीक है, एनी भी नहीं आएगा, सम एडवाइस होना चाहिए। अब आप बोलेंगे एडवाइजेस, पहली बात तो ये कि एस नहीं, सी होना चाहिए, और दूसरा इसका प्लूरल होता नहीं, इसलिए ये गलत है। सम एडवाइजेस करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, कम ऑन। आर टीचर डैश सेवरल पॉइंट्स बिफोर द एग्जाम्स। ए बी सी डी, थर्ड का सही आंसर आपको बताना है। कम ऑन, डी करेक्ट आंसर, क्रिएट आउट। 4, साइमन डैश वेरी पोलाइट एट द मोमेंट बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मेक अ गुड इंप्रेशन। वॉज बींग, हैज बीन, इज बिहेविंग या इज बींग, थोड़ा टेढ़ा है ये क्वेश्चन, बट एक लॉजिक इसके अंदर सामने सामने दिखाई दे रहा है, वहां आप गलती नहीं करेंगे। उस लॉजिक पे मैं हल्का सा निशान लगा देता हूं, शायद आपको हेल्प मिल जाए। बताइए जी 4 का करेक्ट आंसर क्या बोलते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज हैज बीन। ऐसा क्यों, मैंने वांट की ओर इशारा किया तो वास तो हो ही नहीं सकता। अब बच्चे ये 3 देखो कह रहे हैं, साइमन हैज बीन वेरी पोलाइट एट द मोमेंट बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मेक अ गुड इंप्रेशन, ठीक है, वो ये पैसिव वॉइस नहीं है क्योंकि इसके साथ थर्ड फॉर्म नहीं आ रही है। साइमन रहा है, हैज इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट एंड बीन इज द थर्ड फॉर्म। हैज बीन यानी कि होता आया है, पोलाइट। फाइव नंबर बताइए जी, 5 number। If I don't dash advantage of this platform, then how dare I be a filmmaker? बहुत ईजी है,
अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इसका आंसर कर देंगे, अगर आप स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं तो इसका आंसर कर देंगे। फाइव का करेक्ट आंसर, आई एम वेटिंग गाइस, ज्यादातर लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं इसका, बिल्कुल सही है। टेक एडवांटेज, पी, टेक एडवांटेज होता है उसका लाभ लेना, मेक एडवांटेज नहीं होता, ब्रिंग एडवांटेज नहीं होता, फाइंड एडवांटेज नहीं होता। तो एडवांटेज का मीनिंग होता है लाभ या फायदा, उसके लेने के लिए टेक वर्ब का इस्तेमाल होता है। ये रहा सिक्स नंबर, द हेडमास्टर कॉन्ग्रेचुलेटेड राजन डैश गेटिंग द मैरिट स्कॉलरशिप। ये गेटिंग है, गेटिंग पूरा मैं लिख देता हूं, गेटिंग, ये टिंग हटा देते हैं, यहां आ गया एंटर मार के। बताइए जी, द हेडमास्टर कॉन्ग्रेचुलेटेड राजन डैश गेटिंग द मैरिट स्कॉलरशिप फॉर अबाउट विद ऑन। मैं जानता हूं ज्यादातर लोग इसे कर रहे हैं, बट एक चीज बताऊं, फिक्स प्रपोजिशन कहती है कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन प्रपोजिशन आनी चाहिए, कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन, फॉर नहीं, नोट कर लीजिए इसे। सेवन, स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड डैश इंडिया। स्मॉल पॉक्स एक बीमारी का नाम है, इरेडिकेटेड का मीनिंग है जड़ से उखाड़ फेंकना या खत्म कर देना पूरे तरीके से। बताइए जी, ने सही आंसर दिया, इरेडिकेटेड फ्रॉम, बी इज द करेक्ट आंसर, इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया, इंडिया से रिमूव कर दी गई है, जड़ से उखाड़ फेंक दी गई है। एट नंबर, द पुलिस ऑफर्ड अ डैश फॉर इंफॉर्मेशन। अब ये छोड़ दो यार, इसमें एक गड़बड़ है, ये देखिए नाइन, देयर इज नो, ये देखिए एक चीज मैं करेक्शन कर रहा हूं, ये फिलअप यहां नहीं है, There is no possibility of, यहां है डैश, डैश कमिंग लेट, यहां बताइए क्या आएगा, There is no possibility of डैश कमिंग लेट, they, their, them या theirs, नाइन्थ का आंसर बताइए, एट्थ नहीं नाइन्थ है ये, their coming late, उनका लेट आना, देर इज नो पॉसिबिलिटी, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है उनके लेट आने की, ऑफ देयर कमिंग लेट। एंड ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, हिज फ्रेंड डैश अनएक्सपेक्टेडली। यहां पर एक फ्रेजल वर्ब यूज हो रहा है, 10 ए बी सी डी क्या होना चाहिए बताइए, टर्नड अप का मीनिंग होता है अपियर्ड, सामने आना, अनएक्सपेक्टेडली, हमने सोचा भी नहीं था, हमें आशा भी नहीं थी, एंड हिज फ्रेंड टर्नड अप अनएक्सपेक्टेडली, सो अनएक्सपेक्टेडली उसका फ्रेंड प्रकट हुआ, अपियर हुआ, बी इज द करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर।